रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूरम चौधरी नुमान के सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ, ख़ास तौर पर ये नुस्खा उन लोगों के लिए जो कि औलाद की नेमत से महरूम है। सबसे पहले तो मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से जिन लोगों से गलतियाँ ऐसी हो चुकी हैं, यानी कि कसरत के साथ हाथ का इस्तेमाल किया या मुश्तनी के अलावा अगलामबाजी कर बैठे हैं या मैंसन की हालत में गलती कर बैठे हैं, यानी गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अब क्या है, अब जबरदस्ती कम होना शुरू हो गए या डेड हो गए। अगर डेड हो गए तो फिर तो इसका इलाज नामुमकिन है। तो अगर कम हो गए तो उसका इलाज कम्प्लीट है। अक्सर लोगों को ना हमने ऐसे कहते सुना कि डेड का भी इलाज हो। मैं आपको एक बात यानी कि हल्फन कहता हूँ कि अगर इंसानी बॉडी में जान निकल जाए तो कोई ऐसा शख्स है मौजूदा ज़माने में उसमें दोबारा जान पैदा करे, कोई भी नहीं है। तो हुक्मा में ऐसी कहाँ से जान पैदा हो जाए, हिकमत या ऐसी कौन सी दनाई होगी कि वो मुर्दा जरासीम को ज़िंदा कर दें। ऐसा नामुमकिन है, ऐसी बातों में ना आए, ऐसे लोगों से बचें। हाँ, जो बीमार हैं कमज़ोर हैं वो बेहतर किए जा सकते हैं, वो मतलूबा हद तक लाए जा सकते हैं। तो यहाँ ये जो नुस्खा आपके सामने लेके आए हैं ये उन्हीं अफराद के लिए जो कि शादी तो करवा बैठे हैं, अब उनको पता नहीं था जाने में उन्होंने अपने आप को चेकअप नहीं करवाया, टेस्टिंग नहीं करवाया, शादी होगी अब साल हो गया, औलाद नहीं होगी। तो फिर जब फ्रीकैन की जानब से यानी कि अहकाम जारी हुए कि अब आप अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, फिर बीवी अपनी रिपोर्ट्स करवाती, फिर जाकर पता चलता है कि खामन में जरासीम कम होने की वजह से औलाद नहीं हो रही। तो ये नुकसान मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। सबसे पहले साल पंजा मुस्लिम सफ़ेद है, साल मिस्री है, मगज़ जिया पोता तो कम शुलंगी, ये तमाम चीज़ें आपने लेनी 5-5 तोले। छिलका इसबगोल आपने लेना 10 तोले। तो इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करने से जरासीम कमज़ोर हैं या बीमार हैं या मतलूबा हद तक से कम है किसी भी वजह से, तो जिसकी वजह से औलाद हो नहीं रही, हमल हो नहीं रहा, तो इसके इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला के फजल करम से एक ही दफ़ा इस्तेमाल करने से आपको मतलूबा रिजल्ट मिलेगा, जरासीम मतलूबा मकदार से बढ़ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। मगर जितने दिन आपने मेडिसिन खानी तब तक उतने दिन बेगम को मामला से परहेज लाजमी करिएगा। इसके साथ अगर आपको मेदे का मसला है, गैस का, बस उसकी मेडिसिन भी साथ इस्तेमाल करें। तो इसको मुकम्मल इत्मीनान के साथ 40 दिन 50 दिन 2 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करिए। एक सस्ता सा नुस्खा है, इतना महंगा नहीं है। बताने का समझाने का मकसद ये है कि इस नुस्खे को आप खुद इस्तेमाल करवाएं या आपके में अगर बीमारी या आपके दोस्त अहबाब में या कोई भी अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो सदका जारिया के हिसाब से इसमें आपका भी हिस्सा शामिल होगा। इसीलिए इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें और सवाब में आपका भी हिस्सा शामिल हो। इसके अलावा आपकी फैमिली में या दोस्त अहबाब में दिगर अंदाज में कोई भी शख्स किसी और मर्ज में मुबतला है तो इन्हीं नंबरों पर रबता करके घर बैठे मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हैं तो अल्लाह ताला के फजल और करम से मेरी मेडिसिन पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आएँ। आपका अपना दवाखाना एड्रेस पे मेरा नोट फरमा लें, तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा। जब आप तहसील में आ जाए तो मेरे जानिब दरबार से इब्तज़ाक जानिब सिंध बैंक के दोनों के दरमियान सलीम मार्केट में दवाखाना वाक़ है। दो में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह